जी हाँ दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच एशिया कप का आज सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसमें आज ऋषभ पंत और विराट कोहली की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अंतिम ओवर में जाकर इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और वहीं दोस्तों, इस दौरान हम आपको बता दें कि विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और उसके साथ साथ रोहित शर्मा की वो मैच जिता देने वाली बल्लेबाजी तो आज के इस हाईलाइट वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच रोमांचक T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और बांग्लादेश की टीम में से आपको कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लगती है, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आखिरकार भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच आज एशिया कप 2022 का रोमांचक T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं दोस्तों, यहां जब बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर 207 रन बना डाले और भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 208 रनों का। जी हां दोस्तों, यहां जब बांग्लादेश की टीम की पारी की शुरुआत हुई थी ना, तो उस दौरान बांग्लादेश की टीम की तरफ से अनामुल हक और शब्बीर रहमान बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां आज के इस मुकाबले में अनामुल हक ने मात्र 19 गेंदों में 36 रन जड़े और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए थे, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हालांकि उनको अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया था। तो वहीं दोस्तों, अनामुल हक के आउट हो जाने के बाद फिर दूसरा बड़ा झटका शब्बीर रहमान के रूप में बांग्लादेश की टीम को लगा, जो कि आज 19 गेंदों में 20 रन बनाकर ही चलते बने और ये 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे महमूदुल्ला और शाकिब अल हसन। जी हां दोस्तों, यहां पर महमूदुल्ला ने 42 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं उनका साथ निभा रहे कप्तान शाकिब अल हसन ने 29 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। और फिर बची कुची पारी आफिफ हुसैन और नारुल हसन ने खेली। जी हां दोस्तों, आज आफिफ हुसैन ने जहां 11 गेंदों में 28 रन बनाए, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो, तो वहीं नारुल हसन ने 3 गेंदों में 13 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम को 200 के पार पहुंचाया और इसी के साथ 20 ओवर में वो 5 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना पाने में कामयाब हो सके। तो वहीं भारत की गेंदबाजी में जहां अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार को भी 2 सफलताएं हाथ लगी और रवि बिश्नोई को 1 विकेट मिला। तो वहीं दोस्तों, फिर जब भारतीय टीम 208 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी तो यहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से बीच मैदान पर आए रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, जहां रोहित शर्मा और ऋषभ पंत से काफी ज्यादा उम्मीदें तो लगाई जा रही थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज आज जरूर कुछ कमाल की पारी हम सभी को खेलकर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हम लोगों को ज्यादा देर तक होता हुआ दिखाई दिया नहीं। दरअसल दोस्तों, यहां रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला बड़ा झटका लगा, जो कि आज 23 गेंदों में तूफानी 41 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और अपनी 41 रन की पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे, जैसा कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर पारी को संभाला विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर। दरअसल दोस्तों, विराट कोहली और ऋषभ पंत बीच मैदान पर टिके रहे और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान दूसरा बड़ा झटका भारत को ऋषभ पंत के रूप में लगा, जो कि आज के इस मुकाबले में 32 गेंदों में 52 रन की पारी खेलकर चलते बने और इसी के साथ ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद फिर तो मानो भारत के विकेटों की झड़ी सी लग गई। दरअसल दोस्तों, एक छोर पर विराट कोहली तो टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो अपना विकेट ही गंवा रहा था। दरअसल दोस्तों, यहां सूर्य कुमार यादव मात्र 10 गेंदों में 17 रन बनाकर ही चलते बने और उनको मुस्तफिजुर रहमान ने मुस्तफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं दोस्तों, ये तीसरा बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर पारी को संभालने के लिए श्रेयस अय्यर, जो कि 8 गेंदों में 20 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चलते बने और यहां भारत को ये चौथा बड़ा झटका लग चुका था। तो वहीं दोस्तों, फिर दिनेश कार्तिक भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और उन्होंने 3 गेंदों में मात्र 5 रन ही बनाए और भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में थी और अंतिम ओवर में भारत को जीतने के लिए अंतिम 3 गेंदों में 10 रनों की दरकार थी और सामने टिके हुए थे रविंद्र जडेजा, जहां रविंद्र जडेजा ने पहले तो एक छक्का जड़ डाला और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़कर अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीत दिलाई। तो ऐसे में दोस्तों, इस दौरान विराट कोहली ने भी भारत का काफी ज्यादा साथ निभाया, जिन्होंने 42 गेंदों में 61 रन बनाए और उन्हीं की इस बल्लेबाजी की बदौलत आज भारतीय टीम जीत हासिल कर पाई। तो इसी बीच हम आपको बता दें कि एशिया कप के शुरू होने से ठीक पहले का ये इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मुकाबला था, जिसमें आज भारतीय टीम की जीत हुई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आज का ये रोमांचक मुकाबला देखने के बाद और आप किस बल्लेबाज और
गेंदबाज को उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच आज एशिया कप का T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें आज अफगानिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद नवी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने इब्राहिम जदरान की 94 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए और यहां भारत को 20 ओवर में लक्ष्य मिला 214 रनों का। तो वहीं अगर अफगानिस्तान की टीम की पहले बल्लेबाजी के बारे में जाने तो यहां पर जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो उनकी तरफ से पारी की शुरुआत की हजरतुल्ला जजई और रहमानुल्ला गुरवाज ने। इसी दौरान पहला बड़ा झटका रहे इब्राहिम जदरान ने 58 गेंदों में 94 रन बनाए और अपनी 94 रन की पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए थे। तो वहीं उनका साथ निभा रहे उस्मान घानी ने 12 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली और इन दोनों के आउट हो जाने के बाद नजीबुल्ला जदरान जो कि 7 गेंदों में 16 रन ही बना सके। तो वहीं कप्तान मोहम्मद नवी ने 4 गेंदों में 11 रन बनाए और इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 213 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट गेंदबाजी में आज युजवेंद्र चहल ने लिए, जिन्होंने आज 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं अर्शदीप सिंह और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट मिला और इसी के साथ फिर जब भारतीय टीम 214 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी, क्योंकि आज के इस मुकाबले में मात्र 11 गेंदों में 18 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। वहीं दीपक हुड्डा को राशिद खान ने अपनी गुगली गेंद पर फंसाकर मुजीबुर रहमान के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते भारत को ये पहला बड़ा झटका लगा, जैसा कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो। और यहां से भारतीय टीम की मुसीबतें और बढ़ने लग गई। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और इस दौरान रोहित शर्मा ने खूब चौके छक्कों की बरसात की और आज रोहित ने लगभग 21 चौके और 11 छक्कों की बदौलत कुल मिलाकर 172 रन आज के इस मुकाबले में बनाए। तो ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से आज हम सभी को ताबड़तोड़ प्रदर्शन देखने के लिए मिला और जहां उनकी ये बल्लेबाजी देखने के बाद पूरा पाकिस्तान तो हैरान ही हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा पिछले कुछ मुकाबलों से फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन आज रोहित शर्मा की ऐसी घातक बल्लेबाजी देखने के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों के कैसे पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि वो भी अब सोच रहे होंगे अगर एशिया कप में रोहित शर्मा का बल्ला टिक गया तो वो उनका क्या हाल कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आज रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 170 से ऊपर की पारी खेलकर हर किसी भारतीय का दिल जीत लिया। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।